बिहार की कूड़ा कचरा चुनने वाली 21 बेटियों ने अपने आप को साबित कर दिखाया है कि अगर उन्हें पढ़ाई करने का मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बिहार की 21 कूड़ा कचरा चुनने वाली बेटियों में से 7 बेटियों ने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाकर अपने आप को साबित किया और 9 बेटियों ने सेकेंड डिवीज़न से पास कर अपने आप को ये साबित कर दिया है कि अगर हमें पढ़ाई करने का मौका मिले तो हम भी एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। गुरुवार को बिहार बोर्ड की ओर से जारी मैट्रिक के रिजल्ट में कूड़ा कचरा चुनने वाली 21 बेटियों ने खुद को साबित कर दिखाया है। जनकधारी हाई स्कूल दानापुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी क्षात्रिय राजकीय कन्या उच्च विद्यालय गर्दनीबाग से 7 बेटियों ने मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास की है। 9 बेटियों ने द्वितीय श्रेणी हासिल की है और ये अन्य पास हैं। कूड़ा कचरा चुनने वाली आशा, पूजा, मधु, रेखा, हेमंती, रोहिणी और दुलारी कुमारी प्रथम आई हैं। शिक्षा की भूख जगी तो भागकर स्कूल पहुंची। किसी की मां की हत्या हो गई तो किसी को पिता ने जान से मारने की कोशिश की। हर बेटी की दिल दहला देने वाली कहानियां हैं। गरीबी, लाचारी और धूप अंधेरों से निकलकर कचरा चुनने वाली बेटियां मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास की है। कभी गरीबी के कारण कचरा चुनने को विवश इन बेटियों में जब शिक्षा की भूख जगी तो घर से भागकर स्कूल पहुंची और मैट्रिक की परीक्षा में सफलता का परचम लहरा दिया। फूलवारी शरीफ के कुरकुरी में आज से 5 साल पहले मीना माँ के साथ कचरा चुनने का काम करती थी। झोपड़ी में रहती थी। माता पिता बहुत मारते पीटते थे। वह पढ़ना चाहती थी। तंग आकर एक दिन घर से भाग गई। भागकर जंक्शन पहुंची। वहां से रेनबो होम रखा गया। वहां से स्कूल में नाम लिखवाया गया। आशा ने मन लगाकर पढ़ाई की और मैट्रिक में 350 अंक लाई। आशा बताती है कि वह पढ़ लिख कर नर्स बनना चाहती है। रीना की माँ है, पिता नहीं थे। रामजिचक रूपसपुर नहर के पास कूड़ा कचरा चुनने का काम करती थी। पिता नशे में धुत रहते थे। ना खाना मिलता था और ना रहने को घर था। वह दूसरे बच्चों को पढ़ता देखती थी तो रोने लगती थी। एक दिन वह भी घर से भाग गई। पुलिस की सहायता से वह रेनबो होम पहुंची और ज़िंदगी बदल गई।